हेलो फ्रेंड्स जी, आज हमारे पास एक लैपटॉप आया है। ये है पवेलियन जी। इसके अंदर अपन विंडो डालेंगे आज अपना। इसकी प्रोसेस मैं बताता हूँ, विंडो 10 के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। इसके अंदर स्लो बूटिंग का इशू आ रहा है। इसको रीस्टार्ट करेंगे अपन। इसका अपन को दबाना है फिर F9 की प्रेस करेंगे। इसका HP का बूटेबल पेन ड्राइव से बूट कराने का फंक्शनल की है F9। ये रिस्टार्ट हो रहा है, F9 की को प्रेस करना है। F9 की को प्रेस करेंगे अपन। दैट इज ये बूटेबल की एंड ये UEFI का मैटर है। UEFI के लिए अपन इसको एक बार फिर से रिस्टार्ट करेंगे एंड बूट द F10 की। एंड चेंज योर UEFI बूट की। प्रेस F10। And open the CMOS setup. Boot configuration. Okay. And select your boot option. Boot option. And select your legacy. लीजेंसी सपोर्ट डिसेबल है, इसको इनेबल कर देंगे अपन। ओके एंड प्रेस योर यस। यहाँ पे अपन को सिलेक्ट कर लेना है ये USB डिस्केट को। इसको सिलेक्ट करने के लिए अपन को F6, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, F6 से अप करेंगे इसको। ओके एंड प्रेस योर F10। F10 से ये देखिए F10 सेव एंड बूट मेनू। अब यहाँ पे अपन को एक HP खुद कॉन्फ़िगर करके देगा एक बूटिंग की UEFI से बूट करने के लिए। देखिए लास्ट टाइम क्या है इसका बूटिंग की 1768। अपन को प्रेस करना पड़ेगा 1768 एंड प्रेस द एंटर। बूटेबल पेन ड्राइव, ये भी बूटेबल पेन ड्राइव से बूट हो गया है। इसको सिलेक्ट करने का यही प्रोसेस है। बाकी जो अपना विंडो का प्रोसेस है उसके 4-5 विंडो के वीडियो डल चुके हैं, आप आगे देख सकते हैं। इसका ये जो नया वर्जन आया था इसका बूटिंग का मेरे को आपको बूटिंग की बताना था। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।